एवरीवन, तो मैं आज आप सबसे ये नहीं पूछूंगी कि आप सब कैसे हो, क्योंकि मुझे पता है कि सबकी हालत खुशी के मारे खराब हो रखी है। हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है बीटीएस का इंटरव्यू देखने के लिए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब आएगा 30 अक्टूबर का दिन जब हम बीटीएस का इंटरव्यू देख पाएंगे। तो भाई आप वेट करते करते बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। इस वीडियो में आपको काफी सारे शॉकिंग फैक्ट्स भी पता चलेंगे जो कि एनडीटीवी ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताए हैं, जो मुझे नहीं पता था। और उसमें से एक ये है कि बीटीएस आर्मी की एक फुल फॉर्म भी है, यानी हम लोग जो बीटीएस के फैन हैं हम सबकी एक फुल फॉर्म भी है, जो पर्सनली मुझे नहीं पता थी। आई एम सो डंप, मुझे नहीं पता थी पहले। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको पहले से ही पता थी, क्योंकि मैं तो आर्मी बहुत लेट बनी थी, जिस चीज़ का मुझे मरते दम तक रिग्रेट रहेगा। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई उससे पहले एक बात बता दूं कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस घूम रही हैं जिसका कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है, तो आप लोग किसी के भी वीडियो पे ट्रस्ट मत करना। अगर आप लोगों को बिल्कुल रियल न्यूज़ देखनी है या सुननी है तो आप लोग पहली बात तो एनडीटीवी के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, और उसके बाद बैंक 10 इंडिया का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है आप लोग उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पे सारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, तो आप लोग ऐसे भी किसी भी वीडियो पे ट्रस्ट मत करना। तो अब आते हैं अपनी वीडियो पे। तो रोहित खल्लानी जी जो बीटीएस का इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन्होंने अभी एक आईजी लाइव किया था जिसमें उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं कि उन्होंने बीटीएस से क्या क्या क्वेश्चन किए, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने यही बोली कि मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए अनियम से बोला था और बीटीएस वालों ने बोला था नमस्ते। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि उन्होंने बीटीएस से क्वेश्चन कराया है उनके इंडिया टूर के बारे में, और बीटीएस की जो नई एल्बम रिलीज होने वाली है बी, उसके बारे में भी उन्होंने बात करी है। तो अभी रिसेंटली एनडीटीवी वालों ने एक ब्लॉग पोस्ट कराया है, थिंग्स बीटीएस आर्मी शुड नो। तो यार इसका टाइटल ही बड़ा अमेजिंग है। तो इसमें पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग में बीटीएस की भर भर के तारीफ लिखी है, जो कि होनी भी चाहिए, बीटीएस डिजर्व करती है यार। बीटीएस इंडिया में इतना पॉपुलर हो रहा है, ऐसा सुन के हेटर्स को तो मिर्ची लग रही होगी। तो इस ब्लॉग में जो पहले नंबर पे लिखा है वो है बीटीएस इज एन एक्रोनॉमी फोर। तो ये बात तो आई थिंक सबको ही पता होगी, जो न्यू आर्मीज होंगी उनको भी और जो ओल्ड होंगे उनको भी पता होगी। तो भाई जो बीटीएस है वो कोरियन वर्जन जो बीटीएस का नाम है वो है बैंगटन सोन्यंदान, और जो उसका इंग्लिश वर्जन है वो है बियॉन्ड द सीन। तो इन सब का शॉर्ट फॉर्म करके होता है बीटीएस। और पता है इन सबसे पहले ना जो रियल नेम था वो था बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, उसके बाद चेंज हुआ था। सेकेंड है BTS has a major friends connection। तो ये बात आई थिंक बहुतों को पता होगी कि जो हमारे लीडर जी हैं RM जी, उन्होंने इंग्लिश फ्रेंड्स को देख देख के सीख ली थी, खुद ही सीख ली थी। तो भाई देखो हमारे लीडर कितने टैलेंटेड हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि BTS एक लौता ऐसा K-pop बैंड है जिसके पास पर्सनलाइज्ड ट्विटर इमोजीज हैं। और फोर्थ फैक्ट है कि BTS का ऐसा गाना आपको पता है जो मोस्ट कमेंटेड हो? नहीं पता हो तो भाई मैं बता देती हूँ, DNA एक ऐसा गाना है BTS का जिसपे 6.3 मिलियन कमेंट्स हैं। मतलब गैंगनम स्टाइल होता था पहले जिसपे 5 मिलियन कमेंट्स थे अभी के डेटा के हिसाब से, पर DNA ने उसको क्रॉस किया था क्योंकि DNA पे 6.3 मिलियन कमेंट्स है रिसेंट डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि BTS ने हिस्ट्री बनाई थी बिलबोर्ड हॉट 100 में फीचर होके, जब BTS की नई एल्बम आई थी मैप ऑफ द सोल 7, उसके तीन गानों ने रैंक किया था बिलबोर्ड हॉट 100 में। ये पॉइंट ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि BTS का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साउथ कोरियन इकोनॉमी में। और नेक्स्ट है कि BTS ने सोशल सिनेरियोस को कैसे चेंज करा है। आपको याद है 2017 में यूनिसेफ के साथ मिलके जो लव माई सेल्फ कैंपेन हुआ था BTS का, उससे बहुत बड़ा चेंज आया था। और अभी BTS ने कंट्रीब्यूट भी किया था ब्लैक लाइफ मैटर कैंपेन में, और उन्होंने सपोर्ट भी किया था उन म्यूजिक आर्टिस्ट को पैंडेमिक के टाइम में। तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 2014 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने BTS को ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट से सम्मानित करा था, जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल है वहाँ की आर्ट और कल्चर के लिए। तो यार BTS वाले ना सबसे यंग मेंबर हैं उस टाइटल को लेने वाले। नेक्स्ट फैक्ट है कि BTS आर्मी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो भाई BTS आर्मी की फुल फॉर्म बड़ी क्यूट सी है। BTS आर्मी की फुल फॉर्म है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। ओह माय गॉड, मेरे को नहीं पता था, आज पता चला सच में। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो BTS की वर्ल्ड वाइड फैन बेस है उसमें पता है कौन कौन है? एड शीरन, एमा स्टोन, एरियाना ग्रैंडे, जॉन सिन्हा, जिमी फैलन, चार्ली पुथ एंड मैथ्यू MC कॉनगे। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, इट्स वेरी बैड, सॉरी।
एंड इंडियन सेलिब्रिटीज में से है दिलजीत दोसांझ, आयुष्मान खुराना, एआर रहमान और दीपिका पादुकोण, तो सबको ही पता है। और भी बहुत सारे हैं यार, ये तो जस्ट इन्होंने छोटे से एग्जांपल दिए हैं। तो अब आपने इतने सारे फैक्ट सुने, तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को पहले से कितने पता थे, और ये भी बात जरूर बताना कि आप लोग बीटीएस को कब से फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो बाय बाय। और अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो उनके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि आपको कहाँ पे देखने हैं, कहाँ पे नहीं देखने हैं, किस टाइम अवेलेबल होगी, उन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके उनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उन वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वी लव बीटीएस।